नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम। आज इस वीडियो में MI 10 Lite 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशंस और गिवे करने वाला हूं। लेकिन इस गिवे को लेकर एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये एक MI 10 सीरीज का एक लाइट 5G स्मार्टफोन है जो बहुत ही अच्छा है, सभी स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। उसने MI 10 सीरीज में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जैसे जूम, MI 10। तो ये उस स्मार्टफोन का बहुत ही सस्ता और 5G स्मार्टफोन है। तो चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे सामने बॉक्स पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, इसके ऊपर से सिल्वर में लिखा हुआ है MI 10 Lite 5G। पीछे हमें कुछ मिल जाता है स्टिकर्स, साइड में ब्रांडिंग, ऊपर 10 लिखा हुआ है MI 10। और ये हमारे पास 6GB 128GB रैम वेरियंट साथ है। तो देखते हैं, इस बॉक्स को ओपन करें फटाफट से। बॉक्स कॉन्टेंट तो हमें मिल जाता है सिमुलेशन टूल, कुछ पेपर वर्क्स और उसके साथ ये हमारे सिलिकॉन केस जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है लेकिन थोड़ा ग्रेइश कलर में है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट या वाइट नहीं है। तो इस स्मार्टफोन को रखते हैं साइड में। और बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें मिल जाता है टाइप सी केबल, और इसी साथ बॉक्स में हमें 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है, जिसकी अगर पावर आउटपुट की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम पावर आउटपुट 10 वोल्ट 2.25 एम्पीयर का हमें देखने को मिलता है। तो ये भी प्लास्टिक रैप्ड में आता है अच्छी तरह से। तो सभी बॉक्स कंटेंट को रखते हैं बॉक्स के अंदर और अपने स्मार्टफोन को देखते हैं। और बात करते हैं मैंने अपने स्मार्टफोन की। तो जैसा देख सकते हैं, स्मार्टफोन प्लास्टिक रैप्ड है, उसके ऊपर लिखा गया है MI 10 Lite 5G, ऊपर MI का लोगो है और उसके बाद डिटेल दिया गया है इसके प्रोसेसर के बारे में। स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर है, इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और मेन इसका जो हमें साथ में इसमें 4160 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट से इस प्लास्टिक रैप को हटाते हैं दोस्तों और देखते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो मैंने इस प्लास्टिक रैप को हटा दिया है, तो ये बहुत ही शाइनी, तो हमारे पास ये ग्रे कलर में अवेलेबल है जो बहुत ही शाइनी कर रहा है। और इसके कैमरा डिज़ाइन की अगर बात की तो एक क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है जो स्क्वायर एरे में फिट है। नीचे हमें MI की ब्रांडिंग और कुछ डिटेल दिए गए हैं, और ऊपर वहाँ पर लिखा गया 48 मेगापिक्सल कैमरा और उसके कुछ डिटेल्स वहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसके अगर कैमरा की हम बात करें, जिसमें हमें जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ आता है। और वहीं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ आता है, जो 120 डिग्री तक के वाइड एंगल शॉट ले सकता है। उसी के साथ 22 मेगापिक्सल का माइक्रो और डेप्थ कैमरा देखने को मिलते हैं। इसमें हमें डुअल LED फ्लैश देखने को मिलता है, HDR, पैरानोमा और बहुत सारे मोड्स को ये सपोर्ट करता है। और इसके वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए, इसमें 4K 30fps, Full HD, 30fps, 60fps, 120, 240, 960, स्लो मोशन सभी वीडियोज़ को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसकी अब साइड की बात की जाए, तो हमें लेफ्ट साइड में इसको कुछ नहीं देखने को मिलता है स्मार्टफोन के। नीचे की तरफ बात की जाए तो इसमें हमें सिम ट्रे, उसी बल में माइक का होल, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिल जाता है। और राइट साइड की बात की जाए तो सबसे ऊपर हमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर की, पावर बटन और हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऊपर हमें प्यारा 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ में IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए हमें देखने को मिलता है। ऊपर में पंच होल स्टाइल में सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो 16 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर के साथ आता है। और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात की जाए तो Full HD 30fps और 720p 120fps स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। तो मैंने इसको बूट कर लिया है फटाफट से। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 16 मिलियन कलर के साथ। और स्क्रीन साइज की बात की जाए तो इसमें हमें 6.57 इंचेस का Full HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1080x2400 पिक्सल के साथ ही आता है। फ्रंट में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फाइबर प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। और इसकी ब्राइटनेस की बात की जाए 430 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, और ये डिस्प्ले HDR 10 को भी सपोर्ट करता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये एंड्रॉयड 10 MIUI 11 के साथ आता है और लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ आता है। और इसे हम प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 7 नैनोमीटर बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इसे कोर्स की बात की जाए जिसमें हमें सिंगल कोर 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है, सिंगल कोर 2.2 GHz पे क्लॉक्ड और बाकी 6 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है। अगर इसे GPU की बात की जाए जिसमें हमें एंड्रॉइड 620 GPU देखने को मिलता है, जो बहुत ही पावरफुल GPU है। इसमें हम अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बहुत सारी अच्छे गेम्स हम इसमें स्मूथली प्ले कर सकते हैं। चलिए मैं इस स्मार्टफोन के एंडिटिव स्कोर को अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें हमें 322,717 एंडिटिव स्कोर देखने को मिले हैं, जो इस प्रोसेसर से बहुत ही अच्छा है। मैं अपने चैनल पर रिसेंटली अभी एक Vivo X50
स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, उसमें भी एनडीटी स्कोर मैंने चेक किया था, तो उसके एनडीटी स्कोर 2,96,57,000 के आसपास देखने को मिले थे। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोनों प्रोसेसर के हिसाब से, MI 10 लाइट में हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है उस प्रोसेसर के हिसाब से, क्योंकि तो इसमें हमें 20,000-22,000 लगभग एनडीटी स्कोर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें फिंगरप्रिंट सेटअप कर लिया, तो मैं इसको आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो बहुत ही एक्यूरेटली और फास्टली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको फेस अनलॉक दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी बस केवल बटन दबाने के कुछ मिली सेकंड्स के अंदर ही फेस अनलॉक कर दे रहा है, जो बहुत ही अच्छी तरह से फेस अनलॉक भी वर्क कर रहा है। अगर इस स्मार्टफोन की हम कनेक्टिविटी अगर बात करें तो इसमें हमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिलता है, जो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन हमें देखने को मिलता है स्मार्टफोन में। साथ में हमें इसमें डुअल बैंड GPS का सपोर्ट मिलता है, जिससे हमें बहुत ही एक्यूरेट पोजीशनिंग मिलती है स्मार्टफोन के साथ। इसमें हमें NFC का भी सपोर्ट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है, इस डिवाइस में हमें देखने को मिलता है NFC का सपोर्ट। और इसमें इंफ्रारेड भी देखने को मिलता है, वो तो सभी रेडमी के डिवाइसेस में भी देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ हमें इसमें रेडियो का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, जैसे FM रेडियो इसमें नहीं मिलता है। ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन आज के ज़माने में FM कौन से लोग यूज करते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी FM यूज करता होगा इस समय में, रेयरली कोई यूज करता होगा। और इसमें भी USB Type-C का सपोर्ट मिलता है, जो रिवर्स चार्जिंग और OTG दोनों को सपोर्ट करता है। और इसमें हमें सभी जरूरी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें, जिसमें हमें 4160mAh की बैटरी मिलती है, जो 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इन बॉक्स हमें 22.5W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और इसे कलर्स की बात करें तो ये 3 कलर्स में अवेलेबल होगा, ब्लू, ग्रे और वाइट कलर में। तो अब चलिए बात करते हैं जो गिवअवे के लिए सरप्राइज था। तो मैं अभी स्मार्टफोन में PUBG टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सब वो डिटेल रिव्यू करने के बाद इस स्मार्टफोन का मैं गिवअवे अनाउंस करूंगा। तो गिवअवे के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जल्दी मैं अपने वीडियो अपलोड करने के बाद गिवअवे इसका अनाउंस कर दूंगा। तो अगर हम इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, इसमें बहुत ही अच्छा हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, कलर है, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हमें आता है। और ब्लैक कलर तो हमें ट्रू ब्लैक कलर देखने को मिलता है। और साउंड क्वालिटी इसमें भी बहुत ही औसम है, लेकिन इसमें सिंगल हमें स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन उस हिसाब से भी साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, ऑन एवरेज बहुत ही ओके है। इसमें 430 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है, जैसा कंपनी ने बताया, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम इसके आउटडोर यूजर्स की बात करें तो डिस्प्ले काफ़ी शानदार और ब्राइट है। तभी मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप उस कैमरा सैंपल्स को एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको ये कैमरा सैंपल्स कैसे लगे। तो जैसा देख सकते हैं कुछ वाइड एंगल शॉट्स, नॉर्मल शॉट्स, 2x जूम एंड देन 5x, 10x जूम, माइक्रो शॉट्स बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद आप कुछ स्लो मोशन वीडियोज़ भी देख सकते हैं, कुछ HDR वीडियोज़, और इसे फोकस डिस्टेंस का कैसा है, तो बहुत ही अच्छा, ओवरऑल कैमरा इसका बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया इस पे है। 960fps पे स्लो मोशन वीडियो मैंने शूट किया, उसको आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस परफॉर्मेंस और पैकेज की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा ये स्मार्टफोन है। अब इसकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए, जिसकी प्राइसिंग लगभग इंडिया में 28,000 रुपये के आसपास होने वाली है, और इसकी लॉन्च डेट जो कन्फर्म होकर आ रही है वो शायद जुलाई के लास्ट में 30 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ डिटेल अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।